चक्कर, बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं और एक उम्र के बाद वो चक्कर के साथ सुनाई कम देने लगता है और एक आवाज आती है चुन 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 चुन, कंटिन्यूसली कोई भी आवाज आ सकती है। और ये तीनों का मिश्रण, वर्टिगो मतलब चक्कर, आवाज आना या टिनिटिस और बहरापन, इसको हम बोलते हैं मीनियस डिजीज। और मीनियस डिजीज के लिए एक उत्तम दवा होम्योपैथी में है जिसका नाम है थायोसिनेमम। जी हाँ, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थायोसिनेमम या रोडालिन। मस्टर्ड सीड्स या मस्टर्ड ऑयल में एक केमिकल रहता है, सरसों के तेल के साथ एक केमिकल रहता है जिसका नाम है रोडालिन, और इसी से बनता है थायोसिनेमम। जैसे मैं कह रहा था कि जिन लोग को मीनियस डिजीज है, तो मीनियस डिजीज में क्या होता है, एक तो हेरिडिटी, या कुछ लोगों को एक उम्र के बाद, करीब करीब से 60-70 साल के बाद, जो अंदर का कान है, तो कान में हमारे पास तीन हड्डी रहते हैं जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं, और जो बेसिक फ्लूइड रहता है कान के अंदर जिससे बैलेंस मेंटेन होता है और हमको सुनाई देता है, वो कॉकलिया है। तो जब भी ये जो हड्डी है या ऑसिकल्स, ये एक बार यानी हार्ड होने लगते हैं तो उसका फ्री मूवमेंट कम हो जाता है और ये मीनियस डिजीज बहुत लोगों को होती है। अनेक कारण हैं मीनियस डिजीज के, किन लोगों को, कई लोगों को क्या हेड इंजरी अगर हो गई, खास करके कान के पास लग गया राइट या लेफ्ट साइड, तो वो कान में ये मीनियस डिजीज शुरू हो जाती है। या जिनको कान की बहुत पुरानी बीमारी है, कान फूट जाना, पस निकलना, जिसको हम क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया या CSOM कहते हैं, पीप निकलते रहता है, बदबू आती रहती है, या मास्टॉइडाइटिस हो जाता है, कान के पीछे हमेशा दर्द रहता है, वैक्स निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सिंपल वैक्स बड से निकलता नहीं है, ईयर बड से वैक्स नहीं निकलता, एलर्जीज उसको रहा, या शराब पीने की बहुत जिनको आदत रही है, सभी शराबियों में नहीं होता लेकिन बहुत सारे शराबियों के अंदर ये मीनियस डिजीज काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है एज के, स्ट्रेस, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, स्मोकिंग रही, फैमिली हिस्ट्री तो रहती है जिनके अंदर मीनियस डिजीज है, तो ऐसे सभी लोगों के अंदर वायरल फीवर, आजकल ये वायरल फीवर जो मिलता है जिसके अंदर स्मेल और टेस्ट तो चली जाती है लेकिन कान में ये सुन चुन 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 शुरू हो जाता है, चक्कर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशंस को मैनेज करने के लिए थायोसिनेमम। दोस्तों, हम लोग थायोसिनेमम को पोटेंसी में वापरते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने होम्योपैथ से पूछ के ही पोटेंसीज डिसाइड करें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा प्लीज। थायोसिनेमम एक ऐसी दवा मानी गई है होम्योपैथी में जो लो पोटेंसीज के अंदर यूज किया जाए तो स्कार टिश्यूज है। अब कई बार सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के स्कार हो जाते बन जाते हैं, एक्ने रहते हैं, पिंपल्स रहते हैं, उसके स्कार बन जाते हैं, ग्लैंड्स अगर रहे, यानी गले में ग्लैंड्स, बगल में ग्लैंड्स, नीचे ग्लैंड, और वो ग्लैंड्स हार्ड हो गए हैं, तो ग्लैंड की साइज कम करने के लिए एज ए पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोग थायोसिनेमम का यूज करते हैं, लेकिन 1x 2x 3x 4x 1C 2C 3C, यानी लोअर पोटेंसीज ऑफ एनी स्केल, या LM1 0/1 0/2 0/3 ऐसा यूज किया जा सकता है। कई लोगों को आंखों के अंदर मार लग जाता है तो जो कॉर्निया है, जो सामने का जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, वहां धब्बे बढ़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्नियल ओबेसिटीज। अब इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब पूरा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराओ तो बात अलग है, बट कुछ लोग करा नहीं सकते पैसे की वजह से या अलग अलग चीज की वजह से, तो ये लोग थायोसिनेमम का इस्तेमाल करके कॉर्नियल ओबेसिटीज को चेक में रख सकते हैं। उसी तरह से कई लोगों को कैटरैक्ट, आजकल कैटरैक्ट तो बहुत सिंपल सर्जरी हो गई है, मोतियाबिंदु की सर्जरी बहुत सिंपल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोगों को नहीं करना या नहीं करवा सकते या नहीं कर सकते, पेशेंट सुटेबल ही नहीं है सर्जरी के लिए, तो कैटरैक्ट को
इन्हें डिजॉल्व तो नहीं होता ये दवा से, लेकिन बढ़ता नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस है काफी लोगों का, तो थायरोसिनिम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पेशाब की जगह में, पेशाब की जगह छोटी हो जाती है, पेशाब की नली जो छोटी हो जाती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, या लैट्रिन की जगह छोटी हो जाती है उसको बोलते हैं रेक्टल स्ट्रिक्चर। अब आप क्या करेंगे इसके लिए, बड़ा प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाता है, बार बार आप कैथेटर घुसाएंगे तभी भी यूरिन पास होगी, और हर महीने ये काम करते जाने का, तो बेटर ये है कि थायरोसिनिमम कुछ महीनों तक ले लिया जाए, और बहुत हद तक ये जो स्ट्रिक्चर एक बार अगर स्ट्रेच कर दिया जाए तो वापस वो फॉर्म होने में उसको टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे लोगों के निस्बत जहाँ थायरोसिनिमम कम दियाना पड़ता है। दोस्तों थायरोसिनिमम है पार्शियली प्रूफ ड्रग, बहुत छोटी सी दवा है, लेकिन जिस जगह पे उसका उपयोग है वो बहुत सारे व्यापक है। यदि आपको थायरोसिनिमम के बारे में कोई प्रश्न हो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको एज अ होम्योपैथ इवॉल्व होना है या होम्योपैथी की और जानकारी चाहिए ताकि आप अपने लिए अपने परिवार के लिए होम्योपैथी फ्रीली यूज कर सकते हैं, या वो लोग जिन्होंने बीएचएमएस की या डीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है, और या बहुत साल हो गए हैं वो कोई दूसरे बिजनेस में चले गए और अब उनको होम्योपैथी सीखना है, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, और वो है हमारी होम्योपैथिक समर स्कूल जो 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक होने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 9307965618 पे। ये ऑनलाइन रहेगी तो आपको भी सुविधा रहेगी और आप होम्योपैथी पढ़ भी सकते हैं। यदि आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो पहले शनिवार और रविवार महीने का मैं मुंबई में रहता हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे, और बाकी समय दिन में नागपुर में रहता हूं, नागपुर महाराष्ट्र में। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। थैंक यू वेरी मच।